करोड़ की संपत्ति है, देश को इस तरह के लोग सत्ता में आके देश को तो बेच देंगे ये लोग। अधिकारी भी दबते हैं, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया, नगर निगम में उसकी एंट्री भी होगी। पैंतीस पहले करा चुका, मैंने कहा भाई ये जो फंड बिल्डिंग बनी हुई है ये तो सरकार की संपत्ति है, इसमें बिल्डिंग के ट्विटर पैसे। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय गुड़गांव से। गुड़गांव में फर्जीवाड़े की बात ना हो यह एक बेईमानी हो गई। इसी एक मुद्दे को लेकर 2008 का मामला, एक पूर्व मंत्री जो कि कांग्रेस काल में रहे उसका एक उजागर हुआ है, और ये हमारे साथ में उस उजागर करने के लिए आरटीआई एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, और ओपी कटारिया जी जो कि गुड़गांव से हैं, इस बात पर पूरा वो खुलासा करेंगे कि उन्होंने कब कहां कैसे कहां कहां रिपोर्टें दी, और इसकी जानकारी के लिए यह आरोप उन पर लगाया जा रहा है यह बताएंगे। जी आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि जो आप आरोप लगा रहे हैं जिस प्रकार से कि 2008 में वह एक पार्षद था, फिर वो कैसे मंत्री बना, उसने उस जमीन पर जो 17-18 जो लैंड आप बता रहे हैं, तो 17-18 जो सेक्टर और ओल्ड दिल्ली रोड से इसको चौक की तरफ जाती है, तो उस पर कहां कब्जे की बात आई है, किसने इसको हत्याने की कोशिश की है, किसने अपनी बेईमानी नियत से उस जमीन को अपना नाम किया है, उसका थोड़ा सा उजागर करें। देखिए ये व्यक्ति जिसके खिलाफ मैं आज इल्जाम लगा रहा हूं, इल्जाम नहीं है, मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके प्रशासन को सौंप दिए। नंबर वन, मैंने 21/6/2021 को एक आरटीआई लगाई उद्योग विहार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर। मैंने कहा भाई ये जो फर्जी जो बिल्डिंग बनी हुई है ये तो सरकार की संपत्ति है, इसमें बिजली के मीटर कैसे लगे। तो मैंने एक संगीता दवे जो एसडीओ है उसको कहा मगा जी इसमें बिजली के मीटर की मुझे आरटीआई दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वो लेटर सुप्रीम कटारिया को लिख दिया, कहता जी ये सूचना मांगी जा रही है आपकी, तो आप बताइए कि ना मैंने सूचना दी जाए कि नहीं दी जाए। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 81 के तहत ये थर्ड पार्टी सूचना ये नहीं दी जा सकती, जबकि मैंने एप्लीकेशन ये दी थी कि सरकारी संपत्ति तो थर्ड पार्टी का तो मतलब ही नहीं। अब सवाल है कि मुझे किसी तरीके से सूचना मिल गई, सूचना मिली तो मैं हैरान, जो दस्तावेज लगाए गए हैं उस प्रॉपर्टी में बिजली के कनेक्शन और जमीन को हथियाने के लिए, वो दस्तावेज ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के लगा दिए, और वो उससे साबित कर दिया कि जमीन के मैं मालिक हूं जबकि वो मालिक नहीं है। सेकंड स्टेप मेरा ये था कि नगर निगम में मैं गया, तो नगर निगम में पता किया कि इस आईडी प्रॉपर्टी से हमने ये इस आईडी के अंदर चार आईडी लगी हुई है, चारों में सुमीर का नाम है, इवन यहां तक भी जो बिजली कनेक्शन लिए गए वो खुद सुमीर के नाम थे, और उन्होंने 7,18,668 रुपए का जो टैक्स जो था वो बकाया उन्होंने दिखाया। तो इसमें ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी सरकार की हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी की है वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम नगर निगम में भी एंट्री करा दिया और बिजली बोर्ड में भी करा दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई व्यक्ति, इसका मकसद ये था कि 12 साल तक मैं जमीन पर कब्जा कर लूं और कब्जा करने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, कौन देखने वाला कौन सुनने वाला है। अब सवाल ये है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर 8-7 दुकानें बना दी गई हैं, गो कार्टिंग F9 गो कार्टिंग के नाम से एक बच्चों का राइडिंग पहले राइडिंग चल रही है जिसमें 350 रुपए पर एक बच्चे से कलेक्ट किया जाता है। सुना था कि उसमें 2018 के अंदर एक बच्चे की मृत्यु भी हुई है, उसे एक्सीडेंट हो गया उसके, उसको भी दबा दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि 2009 से 8 से जब ये पार्षद रहा था, 2008 से पहले, तो वहां एक फेंसिंग की गई। फेंसिंग का मतलब ये होता है कि मैं कब्जे की एक शुरुआत, अब 2009 में ये मंत्री बन गया, मंत्री बनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ आवाज उठा दे, अधिकारी भी दबते हैं, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया, नगर निगम में उसकी एंट्री भी हो गई, और एंट्री होने के बाद आज तक करीब 2008 से लेके 9 से लेके और 2021 तक लगभग 7,20,00,000 की रिकवरी कर चुका है। मेरे पास सभी सभी सबूत मुझे स्टिंग ऑपरेशन भी है किससे कितना कराया जाता है। मैंने अपनी एप्लीकेशन जब कंप्लीट मेरी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मैंने कहा लोक सेवक बाड़ी खेत को खाने लगे तो बचा क्या, तो ये व्यक्ति इतना फर्जीवाड़ा इसने किया, पहले तो मैंने इसका फर्जीवाड़ा उसमें पकड़ा तो 35,000 रुपये करा चुका हूँ।
डे टू डे होने पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन होकर मैं केस चला कर लूंगा। मैंने मैंने ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो हरियाणा के मंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर के राव डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कमिश्नर पुलिस ऑफ गुड़गांव आपका यश गर्ग जी डेप्यूटी कमिश्नर गुड़गांव इवन ये जीसीएम है विंडो और आपका श्री अनिल विज जी एडीजीपी आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट मैंने छोड़ा कि देखना है कि ये डिपार्टमेंट करते क्या है। अच्छा और साथ में नहीं मैं और बताना चाहूंगा साथ में मैंने एक एफिडेविट फाइल की है। मैंने ये भी कहा अगर मेरी कंप्लेंट अगर झूठी पाई जाए उस अवस्था में मुझे दंड दिया जाए अदरवाइज इस व्यक्ति के खिलाफ करप्शन एक्ट की धाराएं सेक्शन 7, 13(2), 420, 467, 468, 471, 420B, 448, 474 के तहत कार्रवाई करके इनमें इन्वेस्टिगेट करके मैं तो कहता हूं चलो प्रशासन मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं अगर ये धाराएं लगती हैं और ये इस तरह की मिलता है इसमें 7 करोड़ की रिकवरी भी इससे की जाए और इसने जमीन में कब्जा भी किया हुआ है तो देरी किस बात की। अरे मंत्री है लोक सेवा का जी बाड़ी खेत को खाने लगी तो क्या बचा है देश में। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको लगता है कि इतनी जगह आपने आवेदन देने के बाद में आपकी सुनवाई होगी क्योंकि ये मामला काफी दिनों पुराना है। 2021 में आपने इसमें आरटीआई लगाई उसके बाद में आपको पता चला अब आपको अगर इसमें नहीं अगर कुछ आप जैसे मान लीजिए अगर नहीं भी हुआ तो उसके आगे आपका क्या स्टेप होगा। नहीं नहीं मेरा स्टेप ये है एक तो सबसे पहले बात कार्रवाई ना होने के कारण मैं बता देता हूँ अभी 1.5 साल से खुद सुमीर का जो दामाद है हरियाणा विकास प्राधिकरण के अंदर स्टेट अफसर लगा हुआ है। मैंने उसके बारे में भी लिखा है हिस्सा वो भी खाता है हिस्सा कैसे करता है जब उनको पता है कि मेरा ससुर 5 लाख रुपए की इनकम है हिस्सा उसका बेटा भी खाता है जो अधिवक्ता है। अधिवक्ता होने का मतलब यह है कि मैं डकैती मारे घर में लेके आता हूँ तो मेरे परिवार को नहीं पता अब ये मैं कहां से राशन आ रहा है तो माल सारे खाने वाले उनको सब के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मैं तलबनामा दिया है करो ना कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्राइम मिनिस्टर महोदय से ये प्रार्थना करूंगा कि मैं तो आपका सेवक हूं आपको लेके दे रहा हूं बता रहा हूं कि आपकी संपत्ति कहां कहां है 40 करोड़ की संपत्ति है 40 करोड़ की संपत्ति का मतलब समझते एक लोक सेवक 40 करोड़ संपत्ति को हजम करके 5 लाख रुपए पर मंथ उसे रेंट ले रहा है और देखो प्रशासन चुप बैठा हुआ है ना गलत देश तो इस तरह के लोग सत्ता में आके देश को तो बेच देंगे लोग। नहीं आपका आरोप है कि आरटीआई के तहत कि आपने लगाई उस व्यक्ति ने अपने नाम पर कोई जमीन कर ली तो उसमें कहीं ना खसरा खतौनी या उसका कोई नंबर मैं 16 मुस्तकिल का 18-24 और जैसे ही हम दिल्ली रोड से इस चौक की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड को 400 फुट दूरी के ऊपर इन्होंने गोटकाटे को बनाया हुआ है रोड के ऊपर शॉप बनाई हुई है जिसके मैं सभी दस्तावेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मेरी मैं आपसे फिर कह रहा हूं क्यों आप भी पत्रकार हैं मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अगर आप मैं झूठ बोलूंगा तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई बात आ जाए। मैं आपको सभी दस्तावेज दूंगा A to Z मैं बिना दस्तावेजों के बिना इन्वेस्टिगेशन में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता। अरे सरकार को तो मुझे सोचना चाहिए नाम लेना चाहिए कि मैं कब से लड़ रहा हूँ 10 साल के लिए। मैं कहता हूँ वैसे इस तरह के लोग हर शहर में पैदा हो जाएंगे तो देश स्वर्ग बन जाएगा ऐसे लोगों छुटकारा पाना चाहिए। लोग सत्ता में आकर इसमें लड़ते हैं स्कूटरों के पीछे दिखा हुआ है एक बार फिर दिखा होगा ना आपने स्कूटर के पीछे लगा हुआ है जगह जगह उन्होंने हुई है तो भाई एक बार फिर मौका दे दो आपकी बार 40 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा हुआ है और अगली बार 500-700 करोड़ की हो जाएगा तो भाई कोई बोलने पड़ता है। तो मेरी तो यही आपसे विनती है कि इसको जो इसके खिलाफ मैं आगे तक लड़ूंगा और आगे बताना चाहूंगा कि अब मैं एक सप्ताह वेट करूंगा जैसे ही कोर्ट खुलेगी 3 या 4 तारीख को मैं 156(3) के अंदर होने वाले कोर्ट में जाकर इसकी कंप्लेंट फाइल करूंगा और जिन लोगों ने भी मेरे शिकायत पर कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया उनको मैं नहीं बनाऊंगा मैं ये पहले बता रहा हूँ। हमारी हमारा हमारा सिद्धांत है बिकाऊ नहीं है बिकेगा ही नहीं मतलब दबाव में नहीं आएंगे जब जहां भी आपने कंप्लेंट दी है यदि वहां से आपको कोई भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है जबकि रिस्पॉन्स हाँ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को भी इंटीमेट कर दिया मैंने एडमिनिस्ट्रेटर अगर उनके दामाद बैठे हैं आप बता रहे हैं नहीं तो उसके ऊपर के अधिकारी बैठे हुए हैं दामाद तो होगा पीछे बैठे हुए हैं और मैं बता दूं कहना नहीं तो हुड्डा तो लिप्त ही है जब इसमें इतने दिनों से पैसा आया कहता लिप्त की बात कर रहे हैं आप मैं कहता हूं लिप्त नहीं मनी आ रही है पैसा ले रहे हैं 5 लाख रुपया छोड़ा नहीं होता 5 लाख रुपए हर महीने रिश्वत का और एक किस्म से मैं तो कहूँ करप्शन है पैसा आ रहा सरकार की प्रॉपर्टी है तो ऐसे व्यक्ति के लिए शहर नहीं इसके लिए कौन सी
ऐसे व्यक्ति के लिए अगर अगर इंक्वायरी सही हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि नाम जो यह आदमी बच पाएगा। हमारे साथ में ओपी कटारिया जी मौजूद थे, उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे का खुलासा किया, आपने पूरा उनके शब्द से सुना और इस कड़ी से जुड़ने के लिए आगे भी हम इनसे इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। क्या रहेगा आगे, क्या रवैया रहेगा सरकार का, क्या रहेगा पुलिस प्रशासन का, क्या उनको भड़ सी जेल पहुंचाया जाएगा या भरी किया जाएगा, यह न्यायालय का मामला है। परंतु इनका कहना है कि यदि यहाँ भी हमें नहीं अगर देखा जाए सही, अगर जवाब नहीं मिला या कंप्लेंट नहीं हुई तो मैं सेशन कोर्ट जाकर प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे, ऐसा कटारिया जी कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने इन पर अभी तक 35 FIR दर्ज करवा चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। यह मामला कोई छोटा नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि उनके जो दामाद हैं, जैसा इनका कहना है कि वो हुड्डा के अंदर बैठे हुए, विकास ढांडा उसका नाम है, विकास ढांडा नाम होगा, यस उनका विकास ढांडा उनका नाम बताया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है हर मंथ 5 लाख रुपया आप सोचिए इनकम आ रही है, तो वो इनकम आ रही है तो उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस के पास जाता है वो पैसा, यह एक संज्ञान का विषय है, इस पर प्रशासन अपना कार्य करेगा। देखते रहें, आगे जुड़े रहिए, आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। धन्यवाद।